Hi guys, welcome back to my channel Glam with Ujala. So guys, in this video I'm going to share with you Meesho woolen dress material haul. And sare dress material jo hai na guys under 800 rupees hai and 800 rupees ke bhi nahi hai, 750 ke andar hi sare hai. Itni achhi quality hai na inki, aap believe nahi karoge. Aapko market mein kisi bhi shop mein 1000 se kam mein ye sare dress material nahi milne wale, but aapko ye around 700 mein mil rahi hai Meesho pe, jo ki mujhe best lagi. Main kuch aise dress material search kari thi, mujhe nahi था कि मीशो पे उलन ड्रेस मटेरियल भी मिल रही है. जैसे ही मुझे मिली मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाय कर लिया इसे. विंटर्स है ना तो उलन ड्रेस मटेरियल बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर कम ठंडी है ना उसमें भी आप पहन सकते हो घर में. आप चाहो तो इसे नाइट सूट की तरह सिलवा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है. तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना. मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि मीशो पे उलन ड्रेस मटेरियल भी मिल रही है, वो भी इतने अच्छे कम प्राइस पे. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद उजाला, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं. गाइस, फर्स्ट जो ड्रेस मटेरियल है ना ये कुछ इस तरह से आई है, ऑरेंज कलर की है एंड मॉडल ने जो पहना है ना ये इस तरह की है. मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. इस तरह की पैकेजिंग है इनकी एंड आप देख सकते हो इस तरह का डिजाइन है. एंड मैं आपको खोल कर दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का है फ्रंट पोर्शन जो है ना सूट का. मैं आपको दिखा दूँ मॉडल ने जो पहना हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह के डिज़ाइन है. एंड ये जो डिज़ाइन है ना आपको यहाँ मिल जाएगी एंड इस पर थोड़े छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हुए हैं गोल्डन कलर में, जो कि काफ़ी प्रिटी लगता है. एंड इसके इस तरह के जिगजैग पैटर्न में डिज़ाइन है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. इंच के ऊपर आपको इस तरह के कलर्स मिल जाएंगे, ब्लू कलर्स, व्हाइट, इस तरह से है एंड बहुत ही प्रिटी लगता है गाइस. बैक पोर्शन में आपको इस तरह के फ्लावर प्रिंट्स भी मिल जाएंगे इसके ऊपर. एंड इसकी जो इनर पोर्शन है ना वो दिखा देती हूँ मैं आपको. इनर इस तरह की है, आप देख सकते हो इस तरह का मटेरियल है अंदर में. एंड ये सिली हुई नहीं है, आपको सिलवानी होगी अपने साइज के अकॉर्डिंग. एंड इसका जो सलवार का कपड़ा है ना वो कुछ इस तरह का है, ऑरेंज कलर में है. एंड ये जो है आपको 2.5 मीटर का कपड़ा मिल जाता है. एंड 2.5 मीटर का कपड़ा बॉटम के लिए इनफ होता है. बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बॉटम के लिए कितने कपड़े चाहिए, तो 2.5 मीटर इज इनफ. ये आपको बॉटम का कपड़ा मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छी मटेरियल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. प्राइस अराउंड 700 समथिंग है, मैं स्क्रीन पर इसकी प्राइस डाल दूंगी. एंड इसमें जो है ना आपको दुपट्टा भी मिलता है इस तरह का, जिस तरह की प्रिंट है ना बैक पोर्शन में, आपको उसी तरह के प्रिंट दुपट्टा पे मिल जाएंगे. एंड इस तरह से है सी, इस तरह की बहुत ही अच्छी मटेरियल है. क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो इनर पोर्शन दुपट्टा का भी इस तरह का है. 100 में ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिसीव हो जाती है मीशो से. आपको मार्केट में भी 700 टू 800 में मिल जाएंगे, बट आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलने वाला इतना सस्ता ड्रेस मटेरियल, वो भी उलन ड्रेस मटेरियल. तो आप एक बार मीशो जरूर ट्राई करना. अगर आपको उलन ड्रेस मटेरियल लेनी है ना अच्छे प्राइस में, तो आप एक बार मीशो जरूर ट्राई करना. तो ये थी फर्स्ट ड्रेस मटेरियल जिसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. कुछ बुरा नहीं है गाई, जो है आपके सामने है. नेक्स्ट जो ड्रेस मटेरियल है ना गाई वो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो सी, इस तरह के मॉडल ने पहन रखा है. एंड मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ. अगेन पैकेजिंग सेम है सबकी एंड मैं आपको खोलकर दिखा दूँ. इसका जो दुपट्टा है ना बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का, मरून कलर का ये कुर्ता है. एंड इसका दुपट्टा कुछ इस तरह का है सी, इस तरह की दुपट्टा है. 2.5 मीटर का दुपट्टा भी आपको मिल जाता है एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है गाइस. अब इसकी सूट मैं आपको दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरह की है सी, इस तरह का. ये जो है ना आपके नेक के की डिज़ाइन है, नेक के जो नीचे डिज़ाइन होती है ना वो वाली डिज़ाइन है यहाँ पे. एंड इस पर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ब्लू, ऑरेंज, ये सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं. एंड इस पर इस तरह का प्रिंट दे रखा है. एंड बॉटम में ना इस तरह की डिज़ाइन है तो बहुत अच्छी लगती है. एंड बैक, एंड इसकी जो बैक एरिया है ना उसका मटेरियल मैं आपको दिखा दूँ. आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा वूलन मटेरियल यूज़ किया गया है. एंड इसकी जो कलर है ना काफ़ी प्रिटी लगती है. विंटर्स में डार्क कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप एक बार इसे जरूर लेकर देखो. एंड जो सलवार का कपड़ा है ना गाइस बहुत ही अच्छा कपड़ा यूज किया गया है, मरून कलर में, इस तरह का 2.5 मीटर का कपड़ा है ये, आप देख सकते हो. बहुत ही अच्छा मटेरियल है, तो इसकी जो है ना पटियाला भी सिलवा सकते हो या फिर प्लाजो भी सिलवा सकते हो. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो सिलवा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप पटियाला ही सिलवाओ, क्योंकि विंटर्स होती हैं तो प्लाजो में आपको ठंड लग सकती है, बट आपको जो पटियाला होती है ना उसमें ठंड नहीं लगेगी. तो आप वो सिलवा लो या फिर आप ट्राउज़र की तरह भी इसे सिलवा सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा. तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. नेक्स्ट जो ड्रेस मटेरियल है ना गाइस वो कुछ इस तरह का ग्रे कलर का है. एंड ये भी अगेन सेम पैकेजिंग में है, बट इसकी चेन टूटी हुई है. एंड मैं आपको दिखा दूँ निकाल कर.
इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का है। कलर बहुत ही प्रिटी है, ग्रे कलर में है ये, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ग्रे और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो इस तरह का दुपट्टा है। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी है, सारे ही दुपट्टे की लेंथ बहुत ही अच्छी है। एंड इसकी जो विड्थ है ना वो कुछ इस तरह की है, लुक काफ़ी अच्छी है इसकी। ये कलर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है विंटर्स में। एंड इसकी जो है ना, मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। सूट है ना गाइस, वो कुछ इस तरह का है। नेक पे आपको इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा, लाइक नेक के नीचे जो इस तरह की होती है ना, वहाँ आपको इस तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी। एंड जो बॉटम एरिया है ना, वहाँ मैं दिखा दूँ आपको, इस तरह का डिज़ाइन आपको बॉटम में मिल जाएंगे। एंड ये आपको बैक पोर्शन में डिज़ाइन मिल जाएंगे, ग्रेट्स वाले डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कलर ही बहुत अच्छा है गाइस, तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा दे रखा है इसमें भी, आप देख सकते हो सी। एंड एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मीशो एक ऐसी ऐप है ना जो हर किसी को सेम प्रोडक्ट सेंड ही नहीं करती। किससे डैमेज प्रोडक्ट मिल जाए इसका कोई गारंटी नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको जो दिखाती हूँ आपको एकदम वैसी ही मिल जाएगी। आपको कुछ प्रॉब्लम भी मिल सकती है, या फिर मेरे से भी अच्छी मिल सकती है, या मेरी तरह भी मिल सकती है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं आपको कुछ गलत बताती हूँ, मैं आपको कुछ गलत नहीं बताती, मुझे जो जैसी रिसीव होती है मैं वैसी ही बताती हूँ आपको। तो ये है सलवार का कपड़ा, ग्रे कलर में है एंड इसकी लेंथ भी 2.5 मीटर है, तो आप इजली इसे पटियाला सिलवा सकते हो, ट्राउज़र होती है ना वो सिलवा सकते हो, प्लाजो सिलवा सकते हो, जो आपका मन करे आप वो सिलवा सकते हो। वैसे पिक्चर में मॉडल ने प्लाजो पहन रखा है तो बहुत ही अच्छी लुक लग रही है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी सिलवा सकते हो, तो हाईली रिकमेंड करूँगी इसे भी मैं। तो गाइस नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये कोई ड्रेस मटेरियल नहीं है, ये कुर्ती है, बहुत ही प्रिटी है, ब्लैक कलर में इस तरह की अनारकली कुर्ती है, इस तरह की स्लीव मिल जाएगी आपको इसमें। एंड ये रेयन मटेरियल में है, राउंड नेक के साथ आपको रिसीव होती है, एंड इसके पीछे ना आपको डोरी मिल जाती है। इस कुर्ती में जो मुझे बेस्ट पार्ट लगी है ना, जिसकी वजह से मैंने इसे लिया है, मुझे थोड़ी सी डाउट थी कि ऐसा ना हो कि मुझे ये चीज़ ना मिले, ये बस पिक्चर में दिख रही है, बट थोड़ा सा था कि चलो लेकर देखते हैं मे बी मुझे मिल जाए, तो मैंने इसे लिया है। एंड मैं आपको डोरी का लास्ट लुक दिखाती हूँ, सी सस्पेंस इज ओवर। ये इस तरह के लटकन्स मिले हैं मुझे, जो बैंगल्स होती है ना, जो बैंगल्स होती है ना उसमें आपको इस तरह का ब्लैक कलर का कपड़ा ऐसे रोल करके एंड इसके ऊपर गोटा पट्टी वगैरह लगाकर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्लैक कलर की ये कुर्ती है एंड इसमें इस तरह का जो एक्स्ट्रा लटकन्स मिले हैं ना, ये एक अलग सा लुक इसको दे रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये। एंड ये जो है ना थोड़ी सी अनारकली डिज़ाइन में है, इसकी सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ, सी इसकी जो सिलाई है वो इंटरलॉकिंग नहीं है, सी यस आपको इंटरलॉकिंग नहीं है, सॉरी आपको इंटरलॉकिंग नहीं मिल रही है, तो आपको इंटरलॉक करवाना पड़ेगा इसे। एंड इसके साथ मुझे दुपट्टा रिसीव हुआ है रेड कलर का, एंड ये जो है ना दुपट्टा कॉटन दुपट्टा है बिल्कुल, एंड आप देख सकते हो इस पर अगर सिफॉन दुपट्टा होता ना तो और भी खूबसूरत लगता, ये कॉटन दुपट्टा कौन लेने वाला है, बट आपको इसमें भी इस तरह के लटकन्स मिल जाते हैं। मैं आपको बोलूँगी एक सिफॉन दुपट्टा लो रेड कलर का, या फिर पिंक कलर की जो लहेड़िया दुपट्टा आती है ना वो लो, एंड ये जो है ना इसे निकाल कर उसमें लगा लो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगी। ये जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट है, आप इस तरह से दुपट्टा नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा मोटी सी जो लुक होती है दुपट्टे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी आप रेड कलर का दुपट्टा ले लो, या फिर लहरिया प्रिंट में आती है पिंक कलर का दुपट्टा वो ले लो, एंड आप चाहो तो इसे निकाल कर उसके कॉर्नर्स पे लगा लो, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी मेरी तरफ से। एंड इसके साथ आपको प्लाजो भी रिसीव होता है, जो कि अगेन ब्लैक इन कलर है, एंड इसमें जो है ना सी इसमें भी आपको कुछ इंटरलॉकिंग नहीं मिल रही है, इलास्टिक काफ़ी अच्छी है इसकी। इसमें जो मेरी साइज़ है वो एम साइज़ है, एंड इसकी जो प्राइस है मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने लिया भी है इसे, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेरी वार्डरोब जो है ना ब्लैक कलर की आउटफिट से भरी हुई है, बट मुझे इस कुर्ती की लुक बहुत अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने इसे लिया है। तो आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। एंड गाइस वूलन ड्रेस मटेरियल की ना हॉल पार्ट 2 भी आने वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए थे तो मैंने उसे दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया है, तो आप नेक्स्ट हॉल देख लेना, उसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइस।